बेटा सबकी अच्छी होती है। सलीम जरा संभाल के कहीं जड़ से ना उखाड़ दीजिए। यार कसके पकड़ो बच्चा हिले नहीं। अबे कुछ नहीं होता ऊपर देख चिड़िया। मुझे सब पता है। रुपा देखूंगा तू नीचे से चिड़िया उड़ा देगा। अबे चुप कर। सलाम दोस्तों, इस बार हमारे साथ पाकिस्तान के लेजेंड एक्टर जनाब ख्वाजा मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। उनसे थोड़ा सा गपशप लगाते हैं, थोड़ा सा उनकी फनी जिंदगी के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई सलाम। ख्वाजा साहब मुख्तसर अपनी थोड़ी सी लाइफ के बारे में बता दें, एजुकेशन पे फनी जिंदगी में कैसे आए? एजुकेशन मैंने जी ग्रेजुएशन की हुई है, अल्लाह का शुक्र है, बट आई स्टार्टेड फ्रॉम द बर्ना लैपटॉप व्हेन आई हैव बीन लॉन्ग 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 टाइम बिफोर आई स्टार्टेड इन 7th ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। 7 साल की उम्र से मैंने शुरू किया था, फिर मैं लंदन चला गया, लंदन से वापस आया, फिर मैंने और प्ले किए। प्लेज इतने किए हैं कि खुदा रसूल गवाया कि मुझे ड्रामों के नाम नहीं याद। मैं हल्फन कह सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। कई लोग मुझे बताते हैं कि जी आपका फलां ड्रामा चला था, फलां चला था, वो फिर मुझे कुछ याद आ जाते हैं। बट माई बिगेस्ट प्ले, बहुत आला आला प्ले आए हैं, मेरा अनोखा लाडला बहुत अच्छा प्ले था, और वो उसकी उस प्ले की खसूसियत ये थी कि वो इसी खत्ते में हुआ था, भावलपुर में हुआ था। बाबू थोड़ा सा हमें भी दूध छुल दे दो, ये चाय जो है साढ़ के सवा हो गई है। यारियां सवेरे सवेरे लोग लस्सी पीते हैं, दूध पीते हैं, हैं? चाय पी अपना कलेजा साढ़ फट। ओ तू एक मिनट ठहर, जरा पी के तो देख चाय। ना मैं नहीं पीती, कौड़ी जहर। कौड़ी जहर? लो किस तरह हो सकता है, मैंने अपने हाथ से गुड़ डाला इसमें। गुड़? गुड़ कितना है वो? गुड़ बस आ गया, तू पी ऐश कर। और फिर अंगारवादी था, आहन था, ईंधन था, काजल घर था, दलदल था, मुझे वो जो वर्द्रम करके नाम याद है, वो याद है। बाकी आपका जो अंगारवादी था उसमें आपने एक हिंदू मेजर का करेक्टर गालबन किया था। हाँ जी हाँ जी। तो बड़ा तो इतना वो जो उसमें जो वो क्रख्त लहजा और वो नफरत वाला लहजा, ये अचानक कैसे बीच में आ गया? बस वो यही समझ लें कि जो कश्मीर में जुल्म होता था ना, वो कैरेक्टर मेरा हिंदू से नफरत थी। वो मैं फील करता था कि ये क्या हो रहा है यार, ये लोगों की गर्दनें उड़ा देते हैं, बच्चों को ऐसे पकड़ के टांगों से चीर के दरिया में फेंक देते हैं। अल्लाह ताला ने वो डाला, और ये बंदा कहे कि मैंने तोपे चलाई, ये किया वो किया, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ अल्लाह की रहमत होती है। तो मुर्गा बनूं बी अ कॉक? अच्छा खैर सर, पहला फनी जिंदगी का पहला कौन सा ड्रामा था? मेरा जो मैं आई वॉज 7 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, एंड वॉज उस ड्रामे का नाम था प्लेटफॉर्म। वो पाकिस्तान इंडिया की डिपार्ट पे था, और 1972 में हुआ था, जब मैं बहुत छोटा सा था, 7 साल का था, तो तब मैंने वो प्ले किया था। गुफरान इम्तियाजी साहब उसके प्रोड्यूसर थे, अल्लाह करी के रहमत करे, मेरे उस्तादों में भी थे। उसके बाद फिर आज़म खुर्शीद साहब के साथ किया, बहुत से प्लेज किए। फिर मेरा जो बिगेस्ट प्ले उस दौर में था वो 1978 में मैंने किया था, टीवी थिएटर एक सीरीज चलती थी, उस ड्रामे का नाम था मास्टर स्टेंजा। हाँ टीवी थिएटर सीरीज चलती थी, तो वो मैंने किया था। उसके बाद तो बेशुमार ड्रामे किए, अल्लाह का शुक्र है। आज अच्छा खाजा साहब, आप बहुत ज़्यादा भावलपुर वाली साइड पे आते हैं, यहाँ आते हैं, तो यहाँ से कोई खास ताल्लुक है? मेरा प्यार है ना जी भावलपुर से, आप जैसे बंदे से भी मैं प्यार करता हूँ, तो अंदाज़ा लगा लो कि बाकी कितना भाई नहीं इससे ज़्यादा दे। क्या भाई 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 भाई। कि अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते, और एक्टिंग किसको देख के शुरू की? ये सवाल कर दिया है कि मैंने बस हो गया हो गया। अच्छा इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है अपने कैमरामैन ने कि जी अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होता है। अल्लाह ज़िंदगी दे हमारे भतीजे को, और इसीलिए वो इसी रविश पे चल पड़ा जैसे आप खींचते हो। तो ये लास्ट टाइम इसने पंजाब में जो है ना वो शॉर्ट फिल्म से पंजाब का नंबर वन डायरेक्टर है, CM से 2 लाख का अवार्ड जीत के आया। CM तो किसी ने भी पैसे दे दिया, और रहने दे, मैं तो काम में था। अल्लाह इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। इसने सवाल किया जी अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होता? मैं एज एन एक्टर भी एक मजदूर हूँ, और मैं अगर एक्टर ना होता तो तब भी मजदूर ही होता, सिर्फ उसका डिज़ाइन चेंज आए कि मजदूरी जैसे हम करते हैं वो जो ईंटें उठाने वाला शायद वो भी नहीं कर सकता जहाँ जहाँ हम आते जाते हैं। और सेकंड पता नहीं क्या सवाल किया था इस बच्चे ने, भतीजे क्या सवाल किया था? किसको देखकर एक्टिंग शुरू की? अपने आप को देख के, क्योंकि मुझे एक्टर मुझे
बुरा कोई नहीं लगता, लेकिन मुझे अच्छा भी कोई नहीं लगता। इस बात का ये मतलब नहीं है कि मुझे लोग बुरे लगते हैं। आई बिलीव ऑन माई सेल्फ कि जी अल्लाह ताला ने एक वो मेरे अंदर एक चीज़ उतारी है, बस कर रहा हूँ। अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ ये तो देखने वाला बताएगा ना, लेकिन कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा ही हो जाए। भाई मैं तो सिंपल बात करता हूँ, कोई भी आर्ट्स काउंसिल है, ख़ास तौर पे मतलब मैं ये बात करूँगा कि लाहौर आर्ट्स काउंसिल हो, पंजाब आर्ट्स काउंसिल हो, भावलपुर आर्ट्स काउंसिल हो, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल हो, आर्ट्स काउंसिल होती है माँ होती है। माँ देखे बच्चे के साथ क्या करती है, उसको खुराक भी खिलाती है, उसको पढ़ाती लिखाती भी है, उसको अच्छी जगह पर जॉब भी करवाती है और फिर वो बच्चा कमाता है। तो हमारे लिए तो आर्ट्स काउंसिल जो है वो माँ की हैसियत रखती है। और ये जो भावलपुर आर्ट्स काउंसिल है बड़ा आला काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी नई बिल्डिंग भी बन रही है और यहाँ बड़े बड़े आला ड्रामे भी हो रहे हैं। और मेरी इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट भी है और ख्वाहिश भी है कि जब भी आप मुझे कहेंगे किसी अच्छे ड्रामे के लिए, क्योंकि मैंने थिएटर छोड़ दिया हुआ है। छोड़ा क्यों था कि पहली दफ़ा गाना जो था मैं हैरान हो गया। मैं सेकेंड एक्ट में एंटर हुआ तो एक लड़की आई, उसने गाना गाना शुरू कर दिया, गाना लग गया, डांस शुरू कर दिया। मैं हैरान हो गया, मैं 1993 की बात कर रहा हूँ, और मैं बाहर निकल गया। गाना ख़त्म हुआ, मैं एंटर हुआ, मैंने ऑडियंस से ही कहा, मैंने कहा खातिनों ज़रा आज के बाद आप मुझे थिएटर पे नहीं देखेंगे, खुदा हाफिज़। और मैंने आज तक थिएटर नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि थिएटर नहीं होता, जो लोग वो कर रहे हैं वो करें, मैं उनका खिलाफ़ नहीं हूँ, अल्लाह सबको रिस्क दे। अच्छा ख्वाजा साहब, आप तो खुद चूँकि हमारे दिलों की धड़कन है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ख्वाजा साहब पे भी कोई पसंद है, कोई एक्टर एक्ट्रेस जिसे समझते हो कि जी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है? मुझे सारा ही पसंद है, मुझे कोई एक भी नहीं है जो बुरा लगता हो। मैं क्यों कहूँ? फिल्में देखते हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं देखता। नहीं, मैंने तो आज तक अपनी फिल्म नहीं देखी, तो मैं किसी की क्या देखूंगा। अच्छा आखिर में हमारे बावलनामा सिटी, ये बावलपुर का एक यूट्यूब चैनल है हमने बनाया हुआ है, बावलनामा सिटी के देखने वालों के लिए कोई खास पैगाम देना चाहेंगे? यार ये बावलनामा सिटी जो है ना, इसको बिल्कुल ना देखा करें, खास तौर पे मेरा इंटरव्यू आपने बिल्कुल नहीं देखना, और इसके साथ तो बिल्कुल नहीं देखना। और जो बंदा देखेगा ना अगर मिलियंस में, तो मेरी इससे लड़ाई होगी। और आपने ये मिलियंस में नहीं देखना, ट्रिलियंस में देखना है, बिलियंस में देखना है, और ज़रूर देखना है। मेरा प्यारा यार है, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे और बेपनाह खुश रखे, आबाद रखे, और आप सबको भी आबाद रखे। लव यू। तो दोस्तों इसके साथ ही दीजिए आपने मेज़बान मुख्तार अंजुम को इजाज़त। इंशाल्लाह जैसे जैसे हमें कोई ऐसी पर्सनैलिटी मिला करेंगी, ऐसी शख्सियात मिला करेंगी, आपसे उनकी गपशप ज़रूर करवाया करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये ख्वाजा सलीम साहब से गपशप बेहद पसंद आई होगी। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।